नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम अपने यूट्यूब चैनल पर स्टॉक टिक्स में। मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप आपके सामने एक बढ़िया वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों अभी हम बात करेंगे सीमेंस के बारे में। सीमेंस शेयर के बारे में बात करते हुए दोस्तों हमें ख्याल रखना है कि कैसे इसमें पैसा बनाना है। दोस्तों हमारे सबसे बड़े मकसद है मार्केट में आना, पैसा कमाना। तो हम जानेंगे इसके बारे में बहुत सारी बातें। बड़े बड़े दिग्गज और बड़े बड़े ब्रोकर्स को हम चाहते हैं कि ये शेयर हमारे पोर्टफोलियो में कैसे आए, तो ये शेयर उनके पोर्टफोलियो में जाने से पहले हमारे पोर्टफोलियो में कैसे आए इसके बारे में हम सोचेंगे। तो चलिए हम चलते हैं सीमेंस के टेक्निकल चार्ट पर। टेक्निकल चार्ट जानेंगे बहुत सारी बातें। मगर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन से जरूर दबाना दोस्तों, क्योंकि जब भी हमारा वीडियो बनेगा सीधा आपके इनबॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिससे आपका प्रॉफिट और ज्ञान बनाने का मोटिव बना रहेगा। तो ये देखिए हम यहाँ से टेक्निकली बात करेंगे। यह देखिए किस तरह से मार्केट अच्छा बनते गया और यहाँ से सडनली एक ऐसी न्यूज आती है जिसके कारण यहाँ पे समझता है कि इसमें गिरावट आने वाली। बात है इसके रिजल्ट के। रिजल्ट में क्या होता है, इसके रिजल्ट ये आता है कि इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम चला है, मतलब इसको लॉस हुआ है। तो उसके बाद ये शेयर नीचे आता है, फिर एक बड़ी एक खबर आती है कि दुनिया में एक पेंडेमिक वायरस ने क्या किया है, एंटर किया है, जिसके कारण इसमें बहुत सारी गिरावट आना शुरू हो गया। ये न्यूज़ के कारण बहुत सारे शेयर थे जिसमें गिरावट आई, मगर वन ऑफ दैट शेयर इसने भी बड़ी गिरावट आई। तो हमने देखा बड़ी गिरावट आई है, तो इसके बाद इसने जो लो बनाया है उसके बाद लगभग आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें बड़ी मोमेंटम हमें देखने मिली है कंटिन्यूसली। तो ये देखिए इसके बाद ये बड़ी मोमेंटम के साथ ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा है। तो क्या हो सकता है आने वाले दिनों में इसमें हमारे लिए, क्या प्रॉफिट का मार्जिन दिखता है, क्या आने वाले दिनों में हमें इसमें प्रॉफिट बनते हुए दिखेगा, कह रहा हूँ सीरियसली बात होगी यहाँ पे। ये देखिए जिस तरह से इसने सिग्नल दिए थे, ये देखिए जिस तरह से इसने सिग्नल दिए थे थर्ड कैंडल में भी, इसको जैसे ब्रेक नहीं किया गया था ग्रीन कैंडल को, जैसे मेरा एक डीसीसी पैटर्न की बात करता हूँ हमेशा, यहाँ से नहीं ब्रेक कर पाया था डीसीसी पैटर्न में। तो इसके कारण हमें पता था कि इसमें एक बड़ी एक रैली आएगी और हमने उसको बाय कर लिया था। देखिए इस लेवल पे बाय करने के बाद इसमें तेज़ी आई, आप देख सकते हैं लगभग 52.95 पैसा ऊपर रेल्ड कर चुका है शेयर, और ये आने वाले दिनों में कितना टारगेट दिखा सकता है इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं इसके आने वाले टारगेट के बारे में। 1170 इसका एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, ये देखिए मैं बात कर रहा हूँ 1170 की। तो इसके बाद ही अगर रेल्ड करता है इसके ऊपर या सस्टेन होता है तो आपको ध्यान रखना है 1280 के टारगेट की, मैं बात कर रहा हूँ 1280 के लिए, लगभग वहाँ से आपको 100 पॉइंट गेन करने को मिलेगा। ये सेफ एंड सिक्योर लेवल है, यहाँ पे प्रॉफिट बनते हुए आपको दिखेगा। तो ये 1180 लेवल यहाँ से आपको दिखेगा ज़रूर, मगर उसके लिए आपको 1170 के लेवल को होल्ड करते हुए दिखना चाहिए ये शेयर। अगर ये होल्ड नहीं कर पाता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा नीचे आएगा और ये डीप ऑन बाय आपको एक चांस भी मिल सकता है। तो डीप ऑन बाय कहाँ पे करना है इसके बारे में आपको बताते हैं। डीप ऑन बाय की बात करेंगे तो आपको 1110 का एक लेवल है, वहाँ पे डीप ऑन बाय करने की कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर ये लेवल टूटता है 1110 का तो डेफिनेटली ये और नीचे जाएगा, जिसके कारण आपको एक सिग्नल मिल जाएगा, रेड अलर्ट हो जाएगी यहाँ पे आपको कि यहाँ से और नीचे इसमें गिरावट आएगी। तो दोस्तों उसमें बाय नहीं करना है क्योंकि और नीचे चले जाने की संभावना बनी है। और ऊपर की बात की है मैंने 1280 के, तो 1280 के टारगेट आपको आने वाले दिनों में फटाकर से मिलेगी, जिसके कारण आपको प्रॉफिट बनते हुए आपको दिखेगा। और बात करेंगे लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म के इसमें आपको 2000 का टारगेट यहाँ से दिख रहा है। फंडामेंटली बात और टेक्निकली बात कीजिए तो 2000 का प्रॉफिट आपको यहाँ से आने वाले लॉन्ग टर्म में मिल जाएगा। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो आपको यहाँ से 1280 रुपये का टारगेट मिल जाएगा, और यह पोजीशन भी हो सकती है या फिर आपका जो स्विंग ट्रेड कहा जा सकता है उसमें भी ये आपको 1280 का टारगेट इजीली गेन करते हुए दिख सकता है। और आने वाले दिनों में बढ़िया टारगेट 2000 का रह सकता है। निचले साइड में 1110 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस या फिर आप मेंटेन कीजिए, या फिर आप ये समझ के काम कीजिए कि यहाँ से नीचे अगर शेयर जाता है तो मुझे मेरा जो कैपिटल उसे बचाना है। तो अब यह हम बात करेंगे फंडामेंटल चीज़ के बारे में, किस तरह से इसका फंडामेंटल मजबूत और आने वाले दिनों में किस तरह से इसमें प्रॉफिट वायबिलिटी बढ़ने वाली, इसके बारे में हम जानेंगे। हम फंडामेंटली बात करें तो यहाँ पे देखेंगे फंडामेंटल किस तरह से हमें ये शेयर मजबूती दिखाता है। देखिए 1149.20 पैसे इसका क्लोजिंग प्राइस है, 54.5065 पैसे का इसका एक हम रेल्ड पॉइंट कह सकते हैं। और आज की गेन देखेगा तो लगभग 5% की है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और आज डे हाई और डे लो की बात करें तो देखिए 1996 का इसका एक डे लो रहा है और 1000
153 का इसका हायर है, जैसे कि मैंने कहा 100 1110 के नीचे जाते हुए इसमें कमजोरी आते हुए हमें दिख सकती है। तो देखिए उसी का थोड़ा सा संभालते हुए यहाँ से उसने रिबाउंस ले लिया और मार्केट ऊपरी लेवल पे आके एक बढ़िया मोमेंटम देके चला गया। तो आज हम इसके बारे में जान रहे हैं कि इसकी जो कैपिटलाइजेशन है बढ़िया है। कैपिटलाइजेशन देखिए 40,925.34 करोड़ का इसका कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। और बात करेंगे ईपीएस की, लगभग 28.46 का इसका ईपीएस है। और यहाँ पे हम बात करेंगे इसके पी का, 40.38 का पी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें सतर्क रहना है कि इसका पी वैल्यूशन हाई और इसका ईपीएस अर्निंग ज़्यादा नहीं है। तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है, इस शेयर में जितनी रैली आएगी तो उतना डाउनफॉल भी तेज़ी से आ सकता है। तो ये थोड़ा सा कोरिलेशन रहता है इस शेयर में। इसका पी अगर कम होता है आने वाले दिनों में तो इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो 5 अगस्त 2020 में आने वाला है। तो ईपीएस अगर बढ़ता है तो डेफिनेटली इसकी जो तेज़ी का टारगेट है 22,000 का, वो डेफिनेटली क्रॉस करके ऊपर ऊपर के टारगेट को जा सकता है। तो और बात करेंगे हम उसकी बुक वैल्यू की, बुक वैल्यू देखिए क्या रहा है इसका। बुक वैल्यू 253.95 का बुक वैल्यू, जो कि बहुत ही डिलीवर्स की बात करेंगे तो लगभग 40.49%, मतलब 40.5% के यहाँ पे उसके डिलीवर्स परसेंटेज में, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और पी इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे 41.90 का इसका पी है, उसके लगभग ही उतना उसका पी है, जो कि एक आपको मान के चलना ही चले पढ़ना ही चाहिए। यहाँ से इसमें अभी हमें एक जो पी लेवल दिख रहा है सेम टू सेम है, क्योंकि ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्स है उसमें ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गई है, क्योंकि उसमें ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। तो आने वाले दिनों में इसको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। क्यों मिलने वाले आपको तो मालूम है, बहुत बड़ी न्यूज़ रही है, इंडिया ने चाइना के बहुत सारी कंपनी से भी टेंडर वापस लिए हैं, जो कि कह रहे हैं जो कि हमारी इंडियन कंपनी को ही देंगे। तो सीमेंस अल्स्टर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी देयर विल गेट अ चांस टू अ बिग मूवमेंट। तो ये चीज़ें उनके साथ हो सकती है, जो कि मार्केट में उनको बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड टोटल बुलिश है, और आपको मालूम है अगर बुलिश होता है तो उसमें आपका प्रॉफिट बनने के लिए भी निकल पड़ता है। तो 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में उसको 4.55% यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, रिटर्न दिया है। 1 मंथ की बात करें तो 3.22% यहाँ पे उन्होंने रिटर्न दिया है, और सेम एज इट 3 मंथ में दिया है। और 6 मंथ की बात करें तो लगभग 22.06% यहाँ पे लॉस रिटर्न दिया है। और 1 ईयर की टिल डेट की बात करें तो 13.71% इसने लॉस दिया है, जो कि आप मान के चल सकते हैं कि इसमें और तेज़ी बनने वाली, जिसके कारण आपका पैसा बनेगा ज़रूर। तो हम बात करेंगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही पसंद आया मुझे इसका, जो सेबी की दी हुई गाइडलाइंस है उसके हिसाब से उन्होंने सब अपने परसेंटेज होल्ड किए। यहाँ पे प्रमोटर देखिए 75% है, और बहुत ही बढ़िया बात करेंगे उसकी एफपीआई, इसकी एफपीआई यहाँ पे 4.21% यहाँ पे उनकी बाइंग है, जो कि बहुत ही बढ़िया। डीआईएस की बात करके लगभग 12.4% यहाँ पे बाइंग है, ज़्यादा ही। यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी इंटरेस्टेड है इनमें, जो कि 3.68% यहाँ पे उनकी भी बाइंग है। अदर डीआईएस के 2.19 है, जो कि बहुत ही बढ़िया मोमेंटम के साथ यहाँ पे ये चीज़ें चल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, जिसके कारण आपके दोस्तों का भी प्रॉफिट होगा। थैंक यू दोस्तों।